राधेश्याम सुथार का जन्म राजस्थान के बीकानेर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ। पिता विदेश में अपने पुस्तैनी फर्नीचर के कारोबार करते हैं। माता किरण देवी एक गृहिणी हैं। कुल 5 संतानों में राधेश्याम सबसे बड़े हैं। राधेश्याम की पूरी एजुकेशन राजस्थान के बीकानेर में संपन्न हुई। उन्होंने बीकॉम तक शिक्षा ग्रहण की। बीकॉम करने के बाद परिवार द्वारा अपने पुस्तैनी कारोबार करने का दबाव उनके ऊपर बनाया जा रहा था। राधेश्याम को फर्नीचर के पुस्तैनी कारोबार में कोई रुचि नहीं थी। वो अपने लिए एक ऐसा कारोबार तलाश कर रहे थे जिससे पैसा, समय और लोगों का प्यार मिले। तभी 2006 में पढ़ाई के दौरान एक दोस्त के द्वारा RCM मिला। कुछ दिन काम किया लेकिन रेगुलर नहीं रख पाए। सन 2009 में बीकॉम करने के बाद राधेश्याम ने कैरियर के रूप में RCM को फुल टाइम शुरू किया और सन 2009 में ही रॉयल्टी अचीवर बने तथा सन 2014 में टेक्निकल की पिन हासिल की। आज राधेश्याम अपने माता पिता और पत्नी के सारे सपने पूरे कर पा रहे हैं। बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। आज वो अपने परिवार के साथ एक आदर्श जीवन जी रहे हैं। इसी वर्ष उन्हें RCM की ब्रांड न्यू स्टार एमराल्ड पिन से सम्मानित किया जा रहा है। जब इन्होंने RCM शुरू किया था तो इनको लोगों के इतने किक मिले कि उन किक से ही आज ये इस लेवल पे पहुंचे हैं। पहले वाले दिन तो ये बैग वाले निकल गए, ये RCM वाले निकल गए, ये चपले गांठन वाला निकल गए, सब बोलते आजू बाजू वाले। जब इन्होंने शुरू किया तो सब लोगों से इसने हेल्प मांगी कि हाँ आप मेरे साथ आइए, घर वालों से, परिवार वालों से, लेकिन उस समय किसी ने इनका साथ नहीं दिया। मैं बोला ये क्या हेलमेट से वाला काम है भाई, अपना फर्नीचर काम बहुत है करो। फिर नहीं माना, बहुत मना किया, घर में मीटिंग चालू की, हमने स्पीकर वगैरह सब भगा दिया, फेंक दिया, मतलब क्या काम चालू किया है ये। जब मैं घर से फील्ड करने के लिए निकलता था तो कई बार फैमिली वाले, घर वाले मेरे को बस से उतार के वापस ले आते थे। स्कूल कॉलेज मेरे को वापस बाहर से शिफ्ट करके वापस गांव में ले आए, बोले बाहर के स्कूलों में नहीं जाना, RCM में नहीं करना, पूरे मतलब तंत्र मंत्र सारे लगा दिए। सर वहाँ मुंबई में नया नया बिजनेस शुरू किया सर ने, तो वहाँ क्या हुआ कि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम अपना खर्चा बराबर से चला सके, तो बहुत दिक्कतें आती थी। फर्स्ट इनकम आई 769 रुपये की। 769 रुपये के जब RCM बिजनेस से मेरी पहली इनकम आई तो मैंने सबको बताया, सारे फैमिली वाले नाराज थे, मैं अकेला खुश था। बीकानेर मीटिंग गया, फिर उनको सम्मानित किया तो सोचा यार काम तो बढ़िया है, पैसा और चेक मेरे को दिखाया तो ठीक है, मैं सम्मानित किया तो बाद में मेरे समझ में आया तो फिर मैं भीलवाड़ा जाके देखा ही, फिर बाद में मैं भी चल रहा हूँ, बढ़िया काम है। मेरा भाई अभी बहुत आगे बढ़ गया अपने जीवन में, ये बहुत सारी जगह बाहर स्विट्जरलैंड, दुबई, हांगकांग बहुत सारी जगह घूम के आए, ये इतना बड़ा लेवल अमिताभ बच्चन से सम्मानित हो रहे हैं, तो हमें बहुत मतलब जलन पैदा हो रही थी एक टाइम, तो यार हम भी कर सकते थे ऐसा काम। तो राधेश्याम जी है तो लगातार लगन से लगे रहे और आज इस मुकाम पर हैं तो अच्छा लगता है। जैसे हमारे दोस्त हैं, हमारे पड़ोसी है, तो प्राउड फील होता है हमको भी। बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत की और ये आज उस मुकाम पर पहुंचे जिसे हमने कभी सोचा नहीं था, बहुत अच्छा लग रहा है। जब से उन्होंने RCM शुरू किया है इसलिए हम बहुत खुश हैं। उनकी सैलरी देकर, उनका जो बिजनेस है उसकी तरक्की वो देकर आज वो कहीं भी विदेश टूर या टूर में पूरे वर्ल्ड में घूमते हैं RCM की बदौलत। आज मेरा भाई इस मुकाम पर है कि उसने हमारी पूरी फैमिली के सपने पूरे करने की हिम्मत है। RCM ने धीरे धीरे इसे इतना ऊंचा कर दिया है कि आज लोग जो लोग बोलते थे कि ये बेकार है, आज वो खुद इसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें भी RCM करना है। RCM ज्वाइन करने के बाद में गांव का ही नहीं, मोहल्ले का नहीं, पूरे एरिया का हीरो बन गया है। मेरे बेटो लाखों में एक अच्छे बेटे है, गाड़ी मेरे पास है, घर मेरे पास है, प्लेट मेरे पास है, 2-3 फ्लोट मेरे पास है। अब हमारी जिंदगी कुछ इस तरह बदल चुकी है कि सारे सपने पूरे हो गए, सारे ड्रीम्स पूरे हो गए। मैं बड़ा होकर अपने पापा के जैसे बनूंगा। आई लव यू पापा। तो आइए इस ब्रांड न्यू स्टार एमराल्ड को अपनी जोरदार तालियों के साथ स्टेज पर आमंत्रित करते हैं।